आज हम बात करेंगे ईचर मोटर्स के बारे में। इसके प्रीवियस क्लोज में नज़र डालेंगे तो लगभग 3682 का इसका प्रीवियस क्लोज था। शुरुआत इसकी डाउन से शुरू होती है, लेकिन कंपनी ने पूरे दिन भर में बाकी शेयर्स की तरह काम नहीं किया, बढ़ चढ़ के अच्छे से काम किया है। सबसे पहले कंपनी ने 3740 का मीडियन लिया था, लेकिन ये मीडियन अच्छा था और इसी मीडियन के साथ इसने पूरे दिन भर में इसी पे ट्रेड करता रहा। 11:30 के आसपास इसमें थोड़ा सा नरमी आई और ये एक बार ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ था और यहाँ से उसको 12 बजे के बाद से, जैसे हर शेयर में 12 बजे के आसपास एक ब्रेकडाउन ज़रूर आया था, यहाँ से फिर ब्रेकआउट होके कंपनी फिर से बहुत अच्छा प्रदर्शन इसने पूरे दिन भर में किया है। दिन के आखिर में जाके इसमें एक हल्का सा हमको गिरावट देखने को मिली। कंपनी कल जब शुरू होगी तो गिरावट के साथ शुरू होगी, तो इसलिए थोड़ा सा शुरुआत से ही अगर आप निवेश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं निवेश करना, तो इसमें आप आसानी से 3860 का आप आंकड़ा रख सकते हैं, जो आपको अगले 2 से 3 महीने के अंदर ये कंपनी आपको टारगेट करके दे देगा, रिटर्न बना के दे देगा। 5 साल की बात करते हैं तो पिछले 5 साल में इस कंपनी ने आपको लगभग 20% का रिटर्न दिया है, इसलिए आप 20% के अनुसार ही मत रहिए। कंपनी आगे चल के बहुत अच्छा और अच्छा करने वाली है, तो आपका टारगेट सीधा सीधा 4000 का होना चाहिए। अगले 3 साल के लिए 2026 तक आपका ये टारगेट पूरा भी हो जाएगा। कंपनी के अगर आप रेवेन्यू के तरफ नज़र करते हैं तो रेवेन्यू कंपनी का इस क्वार्टर का रहा है 33.26 बिलियन, नेट इनकम रहा है 6.11 बिलियन, और कंपनी का अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखते हैं तो 7.80 बिलियन का है और लगभग 34% हाइक के साथ है। नेट इनकम इनका 6.11 बिलियन, जो 157% आगे चढ़ के काम कर रहा है, जो बहुत अच्छा नंबर है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इनका 50% ज़्यादा है 18.36 के साथ। अर्निंग पर शेयर भी इनका बहुत ज़बरदस्त है 22 है, और इबिटा 7.32 बिलियन है और इफेक्टिव टैक्स रेट इनका 22.91% है। कंपनी के बारे में कुछ और डिटेल्स, तो इसके जो CEO है उनका नाम है सिद्धार्था लाल, और कंपनी शुरू हुई थी 1948 से। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और इसमें लगभग 4,739 लोग कामकाज करते हैं।